तरह कोरोना को हम फैलने से नहीं रोक पाए, उसी तरह हम आगे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे हम एक जानलेवा वायरस समझ रहे हैं वो सिर्फ एक जानलेवा वायरस ही नहीं है, वो एक सोची समझी साजिश है जिसे कुछ पावरफुल लोगों ने सिर्फ अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। जी हाँ, आपको ये सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर सच यही है कि कोरोना आया नहीं है, कोरोना हम सभी के बीच लाया गया है और ये 2025 तक चलने वाला है, जिसके कुछ सबूत लीक हुए हैं जो साफ साफ दिखाते हैं कि कैसे 2015 में ही कुछ लोगों ने इसे लेकर बता दिया था। क्यों 2017 से 18 में कोविड टेस्ट किट्स का बड़ा खेप पहले ही अलग अलग देशों में भेज दिया गया, ये सभी बातें एक ही और इशारा करती हैं कि कोरोना एक सोची समझी साजिश है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। कोरोना वायरस जितना खतरनाक है उससे कई ज्यादा खतरनाक है इसे बनाने वालों की नीयत, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना अभी वापस लौट कर आया है उसे देखकर तो लगता है कि ये आने वाले कई सालों तक नहीं जाएगा। पर क्या आपको पता है कि ये सब तो हम अभी कोरोना का हाल देखकर बोल रहे हैं या सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, पर अभी हाल ही में लीक हुई कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कोरोना को पूरे विश्व में फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसकी स्टार्टिंग डेट अप्रैल 2020 तय की गई और खत्म करने की तारीख भी उसी वक्त मुकल्लम कर दी गई, जो उस रिपोर्ट के हिसाब से 31 मार्च 2025 है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स भी इस त्रासदी के बारे में 2015 में ही बता चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका के जाने माने वैज्ञानिक भी इस बारे में पहले ही बोल चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप के शासनकाल में जनता एक बहुत बुरी त्रासदी से टकराने वाली है, जिसमें लोगों को घर में रहना पड़ेगा, लॉकडाउन जैसी स्थिति, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। इसके अलावा कुछ फिल्में भी कोरोना त्रासदी के ऊपर उस वक्त बनाई जा चुकी थी जब पूरी दुनिया में किसी को भी इसकी कानों कान खबर भी नहीं थी। उन फिल्मों में अच्छी तरह से बताया गया था कि आने वाले वक्त में एक ऐसी स्थिति आएगी जब मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, लॉकडाउन जैसी स्थितियां होंगी, सभी को एक दूसरे से ही खतरा होगा। और अगर ये सबूत किसी को कम लगे तो वो सभी 2012 में हुए ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में दिखाए गए उस एक्ट को भी देख सकते हैं, जिसमें एक बहुत बड़े ग्राउंड में सिर्फ बेड्स ही बेड्स दिखाए गए थे, जिसे बहुत सारी नर्सेस सिर्फ कंट्रोल करने में लगी हुई थी। ये सभी चीजें एक ही और इशारा करती हैं कि कोरोना, जिसे हम सिर्फ खतरनाक वायरस समझ रहे हैं, वो इससे कई ज्यादा बड़ा है। कोरोना एक वायरस ही नहीं है, ये पूरी दुनिया के कुछ पावरफुल लोगों के बीच पावर को हासिल करने के लिए छिड़ी हुई एक जंग का नतीजा है, जिसे जानकर शुरू किया गया है और खत्म भी अपनी जरूरत पर किया जाएगा। ये एक का बायो वेपन है, एक अनदेखी जंग है जिसमें ना होते हुए भी पूरा देश एक साथ कूद पड़ा है। और इस तरह की एक जंग के बारे में बिल गेट्स ने 2015 में ही बता दिया था। गेट्स ने कहा था कि अगर अगले कुछ दशकों में 10 लाख से अधिक लोग मारे जाएं, तो इसकी वजह युद्ध के बजाय एक संक्रामक वायरस होने की संभावना है और ये मिसाइलें नहीं बल्कि माइक्रोब्स होंगे। इसी के साथ गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये एक तरह का जैव आतंकवाद यानी बायो टेररिज्म होगा। अब हम इसे माने या ना माने, पर कोरोना एक फिक्स पैटर्न पर काम कर रहा है, जैसा कि उसके करने के लिए बनाया गया है, और ये खत्म भी तब ही होगा जब इसका फिक्स टाइम खत्म हो जाएगा, यानी कि 2025। क्योंकि 2015 में 2017 में हुई भविष्यवाणियां सच हुई है, तो आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो यदि राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट कैसी लगी आपको, ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को। नमस्कार। तुम्हें जानता कौन है, तुम हो कौन, ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने, ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारे सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक, सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए।
वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशन मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉगिन करें www.mishimediasolutions.com पर।